आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि थिन क्लाइंट में अगर क्लाइंट जो है कभी कभी ये क्लाइंट डिसकनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट नहीं होता, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है कि ये जो पासवर्ड जो हमने डाला हुआ है, यहाँ पे आप सेटिंग में आएंगे, सॉरी कनेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड हमने डाला है, ये पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि सर अगर ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो हम ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम मेरे कंप्यूटर में ना आए। वैसे ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम मेजर है, क्योंकि पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो हम जाते हैं किसी को बुलाते हैं और वो क्या करता है हमें पता नहीं चलता है, लेकिन सही हो जाता है। तो इसको बहुत आसानी से हम सही कर सकते हैं। आप यूज़र का पासवर्ड कैसे सेट कर दें कि पासवर्ड जो है वो एक्सपायर ना हो, इस वीडियो में आप देख के जान जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप माय कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लोरर खोला है मैंने, विंडो के साथ ई प्रेस किया था मैंने और ये एक्सप्लोरर खुल गया है, विंडो प्लस ई किया है मैंने। अब यहाँ पर आएंगे दिस पीसी में, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और आप चलेंगे मैनेज पे, मैनेज पे चलेंगे। यहाँ मैनेज पे चलने के बाद से आपको मैनेज खुल के आ जाएगा, फिर आपको जाना है यूज़र एंड ग्रुप्स के ऊपर, यानी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यूज़र खुल जाएगा, यूज़र को आप डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये यूज़र खुल चुका है। अब ये कह रहा है ना कि यूज़र अकाउंट जो है वो कैसा हो क्या ना हो, यहाँ पे पूछ रहा है, तो पूरा का पूरा प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको इस प्रॉब्लम से हम कैसे, आप कैसे शाउट आउट कर सकते हैं, क्या करना है ना, यूज़र आपको जब बनाना है, जब आप यूज़र बना रहे हो या इसी यूज़र को डिलीट कर दो, आप क्या करो इसी यूज़र को, तो मैंने एक यूज़र इसमें से डिलीट कर दिया, ये यूज़र डिलीट हो गया, यूज़र गया। अब आप दूसरा यूज़र बना लो, मैंने यूज़र बनाया है यहाँ पे, न्यू पे मैं जा रहा हूँ, न्यू यूज़र पे आप क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र ज़ीरो मैं फिर से दे रहा हूँ, USER यूज़र ज़ीरो, यूज़र ज़ीरो आप फिर से बना लो, जो भी यूज़र बनाना है अपने नाम से बना लिया मैंने, फुल नेम नहीं कोई दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन मत दीजिए, पासवर्ड आप जरूर दे दीजिए क्योंकि पासवर्ड के बिना कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये मैंने अब कनेक्ट करा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑप्शन, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, यानी एक महीने बाद जो है ये पासवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब कोई थिन क्लाइंट सेटअप करने वाला आता है ना, तो वो यही काम करके चला जाता है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, ताकि आप उसे एक महीने बाद जरूर बुलाएं। यहाँ पे क्लिक करें और इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें, और ये जो ऑप्शन है पासवर्ड नेवर एक्सपायर, वहाँ पे आप क्लिक कर दें, क्लिक करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं और यूज़र को क्रिएट कर दें। ये यूज़र जीरो मेरा बन के सामने आ गया है। अब ये इसका पासवर्ड जो है ना कभी एक्सपायर नहीं होगा, तो आप ज़रूर इसको करें। देखिए मैंने डिलीट किया है, डिलीट करने के बाद आपको यूज़र जो है ना वो ऐड भी करना होता है, तो यूज़र डिलीट कर दिया है तो वो कहाँ से हट जाएगा, वो यूज़र जो है ना एडवांस सिस्टम सेटिंग में चलते हैं, रिमोट कनेक्शन से हट जाएगा। यहाँ पे आप रिमोट टैब में जाएंगे, रिमोट टैब में जाने के बाद से यहाँ पे अलाउ कनेक्ट करने के लिए दे देंगे, सेलेक्ट यूज़र करेंगे, यूज़र ज़ीरो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे ऐड कर देंगे यूज़र ज़ीरो का जरूर। तो एडवांस में जाके यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, और फाइंड पे क्लिक करने के बाद से यूज़र यहाँ से फाइंड कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ताकि यूज़र ज़ीरो आसानी से कनेक्ट हो पाए। बाकी हमने ऐड कर लिया है, ओके एंड ओके, ये जो है हमने यूज़र को ऐड कर लिया यहाँ पे, बाकी ये प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया है। तो ऐसे आप अपना यूज़र बना सकते हैं और सेशन एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।